वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप तुलसी के पत्ते मुंह में रखकर कर सकते हैं वशीकरण। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको ना कोई आसन बिछाना है, ना ही कोई कोना ढूंढना है। आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे इस उपाय को कर सकते हैं। बेहद आसान है, बेहद छोटा सा आसान, ये आसान सा एक उपाय है जो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं दोस्तों। और इसे करने के लिए आपको कहीं अकेले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब लोगों के बीच में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, अगर आपका फोकस, अगर आपका अटेंशन हो, अगर आप प्रॉपरली बिना अपने दिमाग को भटकाए इसे कर सके तो आप इसे सब लोगों के बीच में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका बस एक ही ये तरीका है इसे करने का कि आप जब इस उपाय को कर रहे होंगे बस उस समय आपसे कोई भी ये ना पूछे कि क्या कर रहे हो। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इसे अकेले में करें जिससे कि आपको कोई टोके नहीं ये उपाय करते समय। और दोस्तों, इसको करने का तरीका बेहद आसान है। बस आपको तुलसी के 7 पत्ते लेने हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने सामने ये तुलसी के 7 पत्ते लिए हुए हैं। आप इस तरह से अपने घर की तुलसी से या मार्केट से कैसे भी तुलसी के पत्ते ले आइए और इस तरह से 7 पत्ते आपको ले लेने हैं और अपने सामने रख लेने हैं, या आप इन्हें अपने हाथ में भी रख सकते हैं। दोस्तों, आपको देवी माँ का ध्यान करना है और उसके बाद इन पत्तों को आपको एक एक करके अपनी जीभ के नीचे रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, पत्तों को जीभ के नीचे रखना होगा और उसके बाद आपको उस महिला का या उस व्यक्ति का अपने मन में ध्यान करना होगा जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब आप इस उपाय को करना शुरू करें तो आपके घर में अगर कोई देवी माँ का फोटो हो या फिर आप अपने मोबाइल में देवी माँ का एक फोटो निकालिए और उन्हें प्रणाम कीजिए और उसके बाद इस उपाय को करना शुरू कीजिए। प्रणाम करने के बाद आप तुलसी के पत्ते अपने हाथ में ले लीजिए और उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ये पत्ते एक एक करके अपनी जीभ में, जीभ के नीचे की तरफ इसको रखते जाना है। और उसके बाद जब 7 पत्ते आप रख चुके होंगे उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा दोस्तों। मंत्र है ओम कामदेवाय नमो नमः स्वाहा। जी हाँ, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है मन ही मन। आपको इसे जोर से नहीं बोलना है, मन ही मन आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद ये पत्ते अपनी जीभ के नीचे रखे रहने देने हैं। जी हाँ, उसके बाद जब आप इस मंत्र का उच्चारण कर लें, मंत्र का उच्चारण आपको सिर्फ 11 बार करना है। 11 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद तुलसी के पत्तों को आपको जीभ के नीचे से निकाल लेना है और उसके बाद आपको इसे एक कागज में लपेट कर अपने तकिए के नीचे रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि मात्र कुछ ही घंटों में आप जब सुबह उठेंगे उसके बाद आपके पास उस व्यक्ति का कॉल आएगा। अगर वो आपके घर के पास रहता है तो हो सकता है आपके घर ही आ जाए। दोस्तों, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपने तुलसी के पत्ते अपनी तकिए के नीचे रखे थे उनको आपको वापस निकाल लेना है और ले जाकर आपको नीम के पेड़ के नीचे दबा देना है। नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा गड्ढा खोदकर आपको उन तुलसी के पत्तों को वहां पर रख देना है और घर वापस आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप इस उपाय को करके देखिए। ये बहुत ही जाना माना उपाय है जो मैंने आज आपको बताया। इससे आपकी समस्या जरूर हल होगी और जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे।